नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हमें ग्वालियर हजिया चौराहे पे डे केयर सेंटर पे वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान का ये कार्यालय ऑफिस है। आप देखेंगे यहाँ पे एक विशाल कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें नेत्र शिविर और कैंसर रोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं जो कि अपना नेत्र परीक्षण है, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उनको दिखा रहे हैं। आप देखें कितनी लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग यहाँ पे इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। कैंप के आयोजक श्री कमल किशोर पटेल जी से हम मुलाकात करेंगे, जो कि आयोजक भी हैं कैंप के, और इनकी माता जी की स्मृति में ये कैंप का आयोजन हुआ है। हम जानकारी देना चाहते हैं और जानकारी लेंगे कि किस किस चीज़ का और यहाँ पे आपने जो परीक्षण रखा है वो और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा। ये वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के द्वारा बिरला हॉस्पिटल के सहयोग से ये कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें मेरी माँ की प्रथम पुण्यतिथि पर और जो मैं अस्थियाँ गरीब और निर्धन लोगों की गंगा में हर साल विसर्जन करने जाता हूँ, उनकी स्मृति में भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं कैंसर पीड़ित लोगों की जांच मुफ्त में होगी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं लेंस मुफ्त में डाला जाएगा। मैं सभी जनमानस से अपील करता हूं कि यहां आके अधिक से अधिक दिखलाएं और इस कैंप को सफल बनाएं, जिससे हर साल इस कैंप का आयोजन किया जाए। जय हिंद, जय भारत। करीब करीब 70-80 मरीज़ देख चुका हूं और इसमें जो चश्मे की जांचें हैं वो हम अपने अस्पतालों में बुलाए करेंगे। निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन जिसमें लेंस ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाएगा वो वहाँ हुआ। यहाँ वरिष्ठ स्वास्थ्य संस्थान की तरफ से, बिरला अस्पताल की तरफ से कैंप आयोजित हो रहा है और हम लोग अपने काम में चार्ज वगैरह तो नहीं, निःशुल्क है क्या ये? पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। नहीं, कैंसर अभी एक्चुअली कैंसर के, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, कैंप्स में पेशेंट्स जो होते हैं वो कम आते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं हमें कैंसर डायग्नोज नहीं हो जाए। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं कि अगर किसी को लंबे समय से कोई छाला हो या कोई गठान हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो कैंसर से डरना नहीं चाहिए, उससे हमें लड़ना है, तो डॉक्टर को सही समय पर दिखाएं। आज वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान हजीरा, इन लोगों ने स्वास्थ्य शिविर चलाया है जिसमें काफ़ी जनता जो शहर की है वो यहाँ पर अपने जो भी उनको प्रॉब्लम है उसको दिखाने के लिए आ रहे हैं। अभी सुबह से मैंने 20 पेशेंट देख लिए हैं। सर, ज़्यादातर क्या ऐसा मतलब पेशेंटों में जो बीमारियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, ज़्यादातर पेशेंट जो है वो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति दिखाने आ रहे हैं। किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है और कई पेशेंट ऐसे हैं जो शराब पीने की वजह से उनको लीवर में प्रॉब्लम है, उनका पाचन शक्ति सही नहीं है, और कई ऐसे मरीज हैं जिनको डायबिटीज़ है और इस शिविर में आने से उनका ज़िंदगी में पहली बार किसी ने चेक कराया तो डायबिटीज़ शुगर बढ़ गया है। ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जो पहली बार चेक करा? हाँ, ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिनको शरीर में बेचैनी होना और दर्द होना, जब उन्होंने शुगर कराया तो पता चला कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है। हाँ, तो इस शिविर से लोगों का जो बीमारी छुपी हुई थी वो बीमारी खुल के सामने आई है। सर, कितना फ़ायदा पहुंचता है ऐसे शिविरों से? देखिए, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अपने ग्वालियर शहर के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने लिए 10 मिनट का टाइम दीजिए। ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं वो खान पीन, दूषित खान पीन और जो मिलावट जो हो रही है, हाँ, और लाइफ स्टाइल जो गलत फॉलो कर रहे हैं, सिगरेट पीना, सुबह देर से उठना, रात में 12 बजे तक खाना खाना, इन वजह से शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, हॉर्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं और पूरी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल की चेंजेस की वजह से आ रही हैं। हाँ, आज आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में हम लोग 4 बजे सुबह उठ जाते थे, है ना, लेकिन अब संस्कृति मॉडर्नाइजेशन बढ़ गया है, हम पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं और पश्चिम को जब फॉलो करेंगे, अपनी संस्कृति जब भूल जाएंगे तो बीमारियां ऑटोमेटिकली घर करेंगी। इसलिए इस शिविर में हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मरीजों की बीमारी जो है उसका पता लगाना।